सब्जेक्टिव शीट नंबर 53 बल्क मॉडुलस, कितने लोगों ने ट्राई की? ठीक है, इस पे डाउट पूछे पहले तो। क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर वन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू, टू में देखो, इसके अंदर वॉल्यूम इलास्टिसिटी ऑफ वाटर ही बल्क मॉडुलस है। इलास्टिसिटी का मतलब लिक्विड के केस में बल्क मॉडुलस ही होगा, ठीक है यहाँ तक? तो ये वैल्यू है, और ये हो गया सॉल्व, हो गया। इसमें फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? डेल्टा वी। अगर वॉल्यूम है कितना 1 m³, विल अंडरगो या टेकन फ्रॉम सरफेस टू दी बॉटम, तो मैं नीचे ले गया इस बॉडी को, कितना नीचे ले गया, 100 m नीचे ले गया डीप। वॉल्यूम इलास्टिसिटी, वॉल्यूम इलास्टिसिटी का मतलब है बल्क मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, और इसके यूनिट्स क्या हैं? एटमोस्फेयरिक, ATM। तो आपको क्या गिवन है? प्रेशर जो है एच डेप्थ पे कितना होता है, एच रो जी। हाइट आपको 100 m पता है। डेंसिटी लिक्विड की बाय डिफॉल्ट, वाटर की जो डेंसिटी है वो 1000 होती है बाय डिफॉल्ट, तो 1000 × 9.8, तो क्या आ गया डेल्टा पी। बल्क मॉडुलस की प्रॉब्लम क्या है? ये एटमोस्फेरिक प्रेशर में गिवन है, पास्कल्स में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1.01 × 10^5। तो ये आपके पास क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया। के का ये फॉर्मूला यूज करें, के फॉर्मूले में डेल्टा वी वी एक तरफ, वॉल्यूम आपको 1 पता है, डेल्टा पी आपको पता है, के आपको पता है, सॉल्व करके डेल्टा पी आ गया। जो फर्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने किया, मुझे पता नहीं आपने किया कि नहीं किया, इसका आंसर ये नहीं आ रहा, -6 आ रहा है, -6 आ रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, ठीक हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, 5th में व्हाट इंक्रीज इन प्रेशर विल बी नीडेड टू डिक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ 1 m³ ऑफ वाटर बाई 10 cc। cc क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको इतना वॉल्यूम वी पता है, वॉल्यूम 1 m³ पता है, और इसमें डिक्रीज पता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम क्या होता है डेल्टा वी। तो आपको डेल्टा वी पता है 10 cc, cc सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10^-6 से मल्टीप्लाई। तो क्या किया आपने, आपने डेल्टा वी लिया, वी लिया, और बल्क मॉडुलस आपको गिवन है, आपको प्रेशर निकालना है। आप बल्क का फॉर्मूला लगाएं, बल्क मॉडुलस आपको पता है, डेल्टा पी आपको निकालना है, डेल्टा वी गिवन है और वी गिवन है, यहाँ से प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, -± + आंसर। और आप नोट कर रहे होंगे मैंने पूरी असाइनमेंट में यहाँ नेगेटिव लगाया है, तो फिर मैंने डेल्टा वी में भी नेगेटिव लगाया है, ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या रहे, पॉजिटिव। पर ज़्यादातर बुक्स ना तो डेल्टा वी में नेगेटिव लगाती है, ना इस फॉर्मूले में नेगेटिव लगाती है, एक ही बात है, जैसे मर्जी कर लो। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 सर डाउट है। क्वेश्चन नंबर 7 कितना हुआ, हो गया, अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला रिलेट कर लिया था। लास्ट टाइम हमने एक डेरिवेशन की थी कि अगर हम एच डेप्थ पे जाते हैं, नीचे किसी भी लिक्विड के एच डेप्थ पे जाते हैं, तो डेंसिटी बढ़ जाती है, हमने डिस्कस किया हुआ है ये। और डेंसिटी कैसे बढ़ती है, इसका फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम डराइव किया था, नई डेंसिटी इज सरफेस के ऊपर डेंसिटी 1 + δp/k होती है। तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है, इसकी डेरिवेशन लास्ट टाइम हमने की थी इफेक्ट ऑफ डेंसिटी वाली। तो आपको वो कह रहा है कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल, रो डैश निकालना है, अंडर द प्रेशर ऑफ, तो ये प्रेशर का चेंज है जो कि न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो आपको इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। तो हालांकि मैंने खुद नहीं किया, वो बात अलग है, 20,000 नहीं किया यार, मीटर स्क्वायर के साथ ही कर दिया। हाँ मतलब मैं सोच रहा था कि सब कुछ या तो SI में रखो या CGS में रखो। आंसर तो चलो कोई बात नहीं, वो तो एक ही बात है, वो तो आंसर KG में निकाल देना, फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब मेरे को ये चाहिए था कि अगर मैं सब कुछ जो है वो SI में कर रहा हूँ, तो इसको मीटर स्क्वायर मुझे कन्वर्ट करना चाहिए था। चलो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर लेना, और बल्क मॉडुलस क्योंकि SI में गिवन है 8 × 10^9, तो ये तभी सेट बैठेगा।
तो फिर यहाँ से आंसर निकाल लेना जो भी है। आंसर तो मैंने देख के लिखा होगा, पता नहीं, मुझे पता नहीं आंसर कैसे है इसका। आंसर शायद मैंने सॉल्व किया है यार, नहीं नहीं मैंने कैलकुलेटर से किया है। नहीं देखो, मैंने जो डेंसिटी ली वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ली, तो मैंने इसको एसआई में कन्वर्ट किया, मैंने एसआई की डेंसिटी पुट की, मैंने के भी एसआई का लिया। पर जो प्रेशर है ना, मेरे को लगता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है इसका आंसर और ये आंसर आया है, इसका मतलब कि ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए। एक बार ट्राई करके देखना, ट्राई करके देख लो, या मीटर स्क्वायर के साथ ये कैलकुलेशन वेरीफाई कर लो, सही आएगी। तो आप एक बार चेक, किसने किया वैसे ये क्वेश्चन? तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ ही किया, कन्वर्ट नहीं किया, आंसर आ रहा है। मतलब मेरे को याद आ रहा है कि मैंने किया ये सॉल्व, हमने, मेरे को लग रहा है ये मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, ये मीटर स्क्वायर ही होना चाहिए, तो आंसर सही बैठेगा ये। तो मीटर स्क्वायर कर लेना इसे, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ट्राई किया था, तो इसको मीटर स्क्वायर ही कर लेना, अब सही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसकी करेक्शन कर लेना, ये मीटर स्क्वायर कर लेना, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन में डाउट, एट्थ में कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन। मैंने क्या बताया था, बल्क मॉडुलस इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो आप इसका पहले रेसिप्रोकल लेके, पर एटमोस्फेरिक है, इसको एटमोस्फेरिक बना लें। तो आपने रेसिप्रोकल लिया तो क्या आ गया, बल्क मॉडुलस आ गया, के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू एटमोस्फेरिक प्रेशर में आई। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 करेंगे, तो आपके पास ये बल्क मॉडुलस की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी दी डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो आपको वॉल्यूम पता है 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, अंडर द प्रेशर ऑफ 100 एटमोसफेयर। तो प्रेशर 100 एटमोसफेयर है, इसको 1.01 इंटू 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपके पास डेल्टा पी है, आपके पास वी है, आपके पास के है, आप सारी वैल्यूज को वहां पर पुट करके डेल्टा वी निकाल लेना, आंसर आएगा। आपको डेल्टा वी चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? ठीक है, एट्थ के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में डाउट। नाइन्थ में ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल, जो क्वेश्चन में गिवन है, ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल ऑफ रबर फ्रॉम सरफेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 100 मीटर डेप्थ। तो आप एच डिस्टेंस नीचे आ चुके हैं, 180 मीटर नीचे आ चुके हैं, द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल इज गिवन। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ बॉल गिवन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में, ओके हाँ, 10th के अंदर एक फॉर्मूला नोट करना पड़ेगा, हमने किया नहीं वो, ये हमने एक फॉर्मूला किया था कि अगर हम किसी भी एल लेंथ, ये एल लेंथ ऑफ द रॉड है, इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें, तो आपको याद होगा डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था, ये एक्सपैंड हो जाएगी और एल्फा इज कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो फॉर्मूला क्या था, एल इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, ये हमने एक दो बार यूज़ किया लास्ट टाइम। क्या ये स्टेप क्लियर है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वायर में कितना इंक्रीज होता है। हम एक चैप्टर करेंगे थर्मल एक्सपेंशन, उसमें ये भी बताया जाएगा कि सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज नहीं होती, वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। अगर मान लो किसी भी बॉडी का वॉल्यूम वी है और आपने इसका टेम्परेचर राइज करवा दिया डेल्टा टी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम भी एक्सपैंड हो जाता है। वॉल्यूम कितना बढ़ता है, इस फॉर्मूले को नोट कर लें, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर लेंथ में प्रॉब्लम है तो लेंथ का ये फॉर्मूला नोट करें, अगर वॉल्यूम की प्रॉब्लम है तो वॉल्यूम में ये यूज़ करें। तो दोनों फॉर्मूलाज को यूज़ करें। अल्फा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और गामा को बोलते हैं कोफिशेंट ऑफ क्यूबिकल, क्यूबिकल या वॉल्यूम, वॉल्यूम एक ही बात है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशेंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा। अगर तो प्रॉब्लम लेंथ में है, मतलब लेंथ एक्सपैंड हो रही है तो अल्फा यूज़ करते हैं, अगर वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है तो गामा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम वॉल्यूम में चल रही है, ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लें दोनों के दोनों। डेल्टा एल का फॉर्मूला ये रहेगा अल्फा की फॉर्म में, और डेल्टा वी का फॉर्मूला ये रहेगा गामा की फॉर्म में, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है,
अ यूनिफॉर्म प्रेशर पी इज एग्जर्टेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ अ सॉलिड क्यूब. एक सॉलिड क्यूब है, आपने हर तरफ से उसको प्रेशर लगाया, तो सॉलिड क्यूब क्या हो जाएगा? छोटा, कंप्रेस हो जाएगा ना, तो छोटा हो जाएगा. तो छोटा होने का मतलब उसका डेल्टा वी क्रिएट हो जाएगा, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा वी की वैल्यू कम हो जाएगी, कंप्रेशन हो जाएगा. और वो कह रहे हैं टेम्परेचर टी है, बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ क्यू बी रेज्ड. मैं डेल्टा टी निकालना चाहता हूँ, मैं टेम्परेचर कितना बढ़ा दूँ, सो दैट टू ब्रिंग इट्स वॉल्यूम बैक टू द वॉल्यूम इट हैड बिफोर वेन प्रेशर वॉज अप्लाइड. अब क्या हुआ, तुमने हर तरफ से प्रेशर लगा के उसको छोटा कर दिया, और तुमने उसको गर्म करके क्या कर दिया, उतना ही एक्सपैंड कर दिया. तो तुमने डेल्टा भी पहले कंप्रेस किया बाय अप्लाइंग सम प्रेशर, और तुमने टेम्परेचर इंक्रीज करके उतना ही डेल्टा भी उसे एक्सपैंड कर दिया. तो यानी कि यहाँ पर जो एक्सपेंशन है वो किसकी वजह से है, थर्मल की वजह से है, हीट की वजह से है, और कंप्रेशन किसकी वजह से है, प्रेशर की वजह से है. तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, अगर कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा और बल्क मॉडुलस के है तो आपको बताना है टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में बल्क मॉडुलस लगा लें, और इस बल्क मॉडुलस में नेगेटिव बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि मैं क्वेश्चन एक्सपेंशन में कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल्यूम एक्सपैंड होगा, तो मैंने यहाँ बिल्कुल नेगेटिव लगाया, जबकि हर न्यूमेरिकल में मैं नेगेटिव लगाया था, तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया ये मानते हुए कि वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है. और डेल्टा वी टेम्परेचर राइज करके क्या पुट करेंगे, वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा टी निकाल लेना आंसर, इस तरीके से करना है. तो मतलब ये बेसिकली फॉर्मूला की एप्लीकेशन है जो हमने अब ये फॉर्मूला सीखा. तो ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, टेंथ क्लियर है यहाँ तक. नाइन्थ क्वेश्चन, हाँ मैं पूरी शीट भी करा सकता हूँ. ठीक है, ऑन टेकिंग अ सॉलिड बॉल ऑफ रबर फ्रॉम द सर्फेस टू द बॉटम ऑफ द लेक 180 मीटर डेप्थ. तो आपको हाइट गिवन है, चेंज इन परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, डेल्टा वी बाई वी भी गिवन है, 0.1 को 100 से डिवाइड कर दें. तो मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि जब हम डेप्थ पे लेके जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, घटता है, और अगर घटता है तो ये साइन क्या होगा, नेगेटिव. द डेंसिटी ऑफ द लेक, डेंसिटी आपको पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के निकालना है. जब आप डेप्थ नीचे लेके जा रहे हैं तो डेल्टा पी क्या होगा, एच रो जी. आप ये बल्क का फॉर्मूला लगा लें, बल्क मॉडुलस आपको निकालना है, हर हालत में पॉजिटिव ही आना चाहिए. डेल्टा भी एच रो जी से आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू मुझे परसेंटेज गिवन है, माइनस से माइनस कैंसिल होकर आंसर आ गया. तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कोई डाउट है इसमें? असाइनमेंट सेंड भी कर दी थी मैंने ग्रुप पे, तो आप उसमें एक बार देख भी सकते थे उसमें क्या किया है, कोई डाउट इसमें?